सो गाइस इस वीडियो में देखते हैं कि डायलॉग और अलर्ट डायलॉग को कैसे क्रिएट करते हैं हम फ्लटर के अंदर। तो देखो क्या करता हूँ, मैं अपने प्रोजेक्ट में आ चुका हूँ यहाँ पर। और एक सबसे पहले एक फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी जिसका नाम रख देते हैं हम लोग क्या, डायलॉग और स्क्रीन करके। यहाँ से आप देखो मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे यहाँ पे सबसे पहले एक स्टेटलेस फिगर क्रिएट करना पड़ेगा जो हमें बॉडी प्रोवाइड करवाना है काम कर रहा होगा। ठीक है, क्या करो एक क्लास यहाँ से क्रिएट कर लो पहले। तो क्लास क्रिएट किया यहाँ पे, क्या नाम है, डायलॉग बॉक्स स्क्रीन करके यहाँ से। और ये एक्सटेंड करें किसको, स्टेटलेस विगेट को। एंड यहाँ मुझे कंस्ट्रक्टर कॉल करना है एंड एक मेथड को प्रोवाइड कर देना है बस। चलो यहाँ से अभी मुझे क्या कहना है, रिटर्न करवाना पड़ेगा किसको, मान लो मैं यहाँ पे एक रिटर्न करवा देता हूँ अभी के लिए एक कंटेनर को बस यहाँ से। एंड इसको बस मुझे क्या करना पड़ेगा, मेन डॉट फाइल में जाना है एंड देन कॉल करना है किसको, डायलॉग बॉक्स स्क्रीन करके यहाँ से। एंड यहाँ लिख दो बॉक्स स्क्रीन। एंड अभी मुझे क्या करना है, इसको रन करना है यहाँ पर। तो देखो हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है। अभी देखो मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक बटन पे क्लिक करके ना एक डायलॉग बॉक्स को ओपन करना है। तो देखो क्या करूँगा, उस बटन को मैं सेंटर में ले आता हूँ पहले। तो देखो यहाँ पे किया सेंटर, विकेट को कॉल किया, देन यहाँ पे चाइल्ड पास करता हूँ और एक एलिवेटेड करके मैं बटन ले आता हूँ यहाँ पर। एलिवेटेड बटन मैंने कॉल किया, देन ये लेगा अपने द चाइल्ड और इसको मैंने टेक्स्ट पास कर देंगे कॉन्स टेक्स्ट करके। और यहाँ लिख दिया ओपन, तो ये काम हो चुका है। और ये यहाँ पे बोलेगा ना कि भाई मुझे एक और रिक्वायरमेंट चाहिए ऑन प्रेस करके यहाँ से। तो देखो क्या करना है मुझको, जैसे ही बटन पे क्लिक करूँ हमारा अलर्ट डायलॉग क्रिएट होना चाहिए। देखो अगर हमें डायलॉग बॉक्स क्रिएट करना है तो कैसे करना पड़ेगा, एक ना हमें ऑन प्रेस करना क्या करना पड़ेगा, ये शो डायलॉग करके ना इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। और इसका रिक्वायरमेंट देखो क्या, एक तो कॉन्टेक्स्ट है और सेकेंड आपका बिल्डर होने वाला है। तो देखो ये जो बिल्डर है ना, मेन इंपॉर्टेंट बिल्डर है काम करने वाले। और इस बिल्डर के अंदर क्या करेंगे हम लोग, कॉन्टेक्स्ट एक्चुअली पास करने वाले। ये कॉन्टेक्स्ट कॉल कर दिया और ये बिल्डर बोलेगा कि भाई मुझे कुछ रिटर्न देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, रिटर्न। और इस रिटर्न के बाद क्या करना पड़ेगा, मुझे एक विगेट को रिटर्न करवाना पड़ेगा। तो देखो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, दो काम करने वाला हूँ, एक अलर्ट डायलॉग क्रिएट करेंगे और एक सिंपल सा हम डायलॉग बॉक्स क्रिएट करने वाले। तो देखो क्या करता हूँ, देखो यहाँ नीचे आता हूँ और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक डायलॉग बॉक्स पहले क्रिएट करके देखते हैं कि वो हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे। तो क्या करता हूँ, एक विगेट नाम का मैंने क्या किया, एक फंक्शन यहाँ पर क्रिएट कर दिया। तो जो विगेट रिटर्न करवाने का काम करेगा, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सिंपल डायलॉग बॉक्स, डायलॉग बॉक्स। और यहाँ से रिटर्न करवाता हूँ, अगर मुझे डायलॉग बॉक्स क्रिएट करना है तो क्या होगा, एक डायलॉग करके, डायलॉग करके क्या होता है, एक विकेट आता है और इसको मैं कॉल करूँगा तो मेरा काम बन जाएगा। अब क्या करो, ये जो सिंपल डायलॉग बॉक्स है इसको यहाँ पर कर दो पेस्ट और लास्ट में सेमी कॉलन लगा दो। अब इससे क्या होगा, मेरा एक डायलॉग बॉक्स क्रिएट हो चुका है। देखो अब मैं रिफ्रेश करूँगा ना यहाँ पर, तो मेरा एक बटन यहाँ पर सेंटर में आ जाएगा। और मैं जब मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, देखो कि ना एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है यहाँ पे। लेकिन अभी यहाँ पे कुछ कंटेंट शो नहीं हो रहा बिकॉज मैंने अभी कुछ कंटेंट दिया ही नहीं इसके अंदर ना। तो देखो अभी मुझे अगर कंटेंट देना है तो मैं कैसे दूंगा, यहाँ पर आता हूँ और तो यहाँ पर क्या करता हूँ, डायलॉग बॉक्स के अंदर आके मैं एक, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा देखो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है यहाँ पर। और सबसे जो मेन प्रॉपर्टी थी चाइल्ड होती है, कि चाइल्ड के अंदर वो कंटेंट एक्चुअली क्या पास करना है। देखो क्या करो, यहाँ पर लिख दो चाइल्ड और मैं क्या करता हूँ, एक कुछ कंटेंट लिख देता हूँ यहाँ पर टेक्स्ट करके। सो हेलो हाउ आर यू करके मैं कंटेंट लिखती हूँ। अब मैं अगर इसको सेव करूँगा यहाँ पर और डायलॉग बॉक्स पे क्लिक करूँगा, देखो यहाँ पर क्या हुआ, हेलो हाउ आर यू आ चुका है यहाँ पर। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग कंटेंट शो करवाते हैं। बट अभी देखोगे ना तो ये बड़ा ही बेकार सा लग रहा है यहाँ पर। तो क्या करते हैं, इसको कुछ अरेंज करते हैं यहाँ पर। तो अरेंज देखो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग यहाँ से हल्की सी पैडिंग थोड़ी प्रोवाइड करवा लेते हैं। तो क्या कर दो, यहाँ पर चाइल्ड में आके ना इसको कट कर दो और पैडिंग प्रोवाइड करवा दो थोड़ा सा। तो मैंने पैडिंग दिया और ये पैडिंग एज इंसर्ट्स डॉट ऑल करके यहाँ से मान लो मैं 20 डीप ही पैडिंग प्रोवाइड किया। और यहाँ से चाइल्ड देता हूँ, मान लो अभी टेक्स्ट पास कर देता हूँ हेलो करके। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, देखा यहाँ पर कि डायलॉग बॉक्स क्रिएट हो चुका है और यहाँ पर हेलो आ चुका है। अब देखते हैं ना एक प्रॉपर हम डायलॉग बॉक्स कैसे क्रिएट करने वाले। तो प्रॉपर का मतलब यहाँ पे मान लो कि अगर मैं चाहता हूँ ना, मैं कुछ एक अच्छा सा कंटेंट यहाँ पे शो कराऊँ जिसके अरेंजमेंट देने का काम करें यहाँ पे। तो देखो मैं ये करने वाला हूँ यहाँ पर कि अभी के लिए एक चाइल्ड होता है यहाँ पर, ठीक है यहाँ पर आ चुके। तो मैं करता हूँ यहाँ पे एक पहले कॉलम क्रिएट कर लेता हूँ बिकॉज मुझे ना आइटम्स को अरेंज भी करना है। तो कॉलम से अच्छा कोई आइटम अरेंज नहीं कर पाएगा। एंड यहाँ पे मैंने चाइल्ड पास चिल्ड्रन पास कर दिया। और देखो सबसे ऊपर क्या करता हूँ, पहले एक टेक्स्ट दे देता हूँ और मैं लिखता हूँ यहाँ पर एग्जिट ऐप करके एक टेक्स्ट क्रिएट कर दिया यहाँ पर।
अब मैं इसको करता हूँ तो देखो ये यहाँ पर एग्जिट ऐप करके आ चुका है। तो ये बहुत ही बड़ा डायलॉग बॉक्स लग रहा है। अगर मुझे इसको थोड़ा कम करना है तो मैं यहाँ पे करूँगा एक ऐसा साइज़ प्रोवाइड करवा सकता हूँ यहाँ पर। तो क्या करूँ, इस कॉलम को यहाँ से रिमूव करके एक साइज़ बॉक्स करके ना ये चीज़ आती है। तो साइज़ बॉक्स क्या, एंड चाइल्ड पास करो, पेस्ट कर दिया, एंड इसकी हाइट और विड्थ प्रोवाइड करवा दो। मतलब जो विड्थ है ना, विड्थ मैं करता हूँ इसकी इन्फिनिटी इन्फिनिटी पास करता हूँ यहाँ पर, और जो इसकी हाइट है ना वो मैं पास करता हूँ, और 300 पास कर दिया। और अगर मैं रिफ़्रेश करूँगा यहाँ पे तो देखो साइज़ का इस तरीके से कुछ आ चुका है। अब मैं नीचे क्या करता हूँ, चिल्ड्रन के अंदर आके ना, तो यहाँ पर आ जाओ चिल्ड्रन के अंदर आके, और यहाँ पर मैं एक आइकन पास करता हूँ, आइकन देन आइकन्स डॉट करके, यहाँ पर एग्जिट टू ऐप हो गया। जो साइज़ है मैं बात करता हूँ 200 करके यहाँ पे कुछ। अब मैं रिफ़्रेश करूँगा, देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ चुका है। अब सपोज़ मान लो कि मुझे बटन ऐड, नीचे दो बटन ऐड करने हैं येस और नो करके, तो वो हम लोग कैसे कर लेंगे यहाँ पे। तो कुछ नहीं करना, बहुत सा इजी सा काम है। यहाँ पर एक रो क्रिएट कर दो, यहाँ पर देखो यहाँ पे करो एक रो क्रिएट कर दो, और ये अपने चिल्ड्रन लेगा यहाँ से, और पहला क्या करना है वो बटन ऐड करना है। तो एक क्या करता हूँ, टेक्स्ट बटन ऐड करता हूँ यहाँ पर, टेक्स्ट बटन करके, और रिक्वायर पैरामीटर आपके दो हो जाएंगे यहाँ से, एंड चाइल्ड बोलेगा मेरे को चाइल्ड चाहिए यहाँ पे। तो क्या कर दो यहाँ पे एक दो टेक्स्ट, एक देन येस करना है, और एक और टेक्स्ट बटन यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। तो कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दो। अब देखो एक येस और एक नो का यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि दोनों के बीच में थोड़ी स्पेस भी प्रोवाइड हो जाए यहाँ पे। तो क्या करो, एक ना स्पेसर होता है यहाँ पर, ये स्पेसर एक्चुअली क्या करता है, दोनों के बीच में ना स्पेस प्रोवाइड करवा देगा, मतलब स्पेस बिटवीन प्रोवाइड करवाने का काम कर रहा होगा यहाँ से। तो ये भी अब अगर इसको रिफ्रेश करूँगा यहाँ पे, देखो येस और नो करके ना यहाँ पर आ चुके हैं। थोड़ा इसका अगर मैं 250 का साइज़ पास कर दूँ ना तो थोड़ा अच्छा भी लगेगा, लेकिन देखो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो 280 कर दो इसको, ठीक है। तो इस तरीके से करते हैं हम एक अच्छा सा डायलॉग बॉक्स क्रिएट करते हैं यहाँ पर। तो कभी भी कुछ कैसा केस आए यहाँ पर कि हमें डायलॉग बॉक्स क्रिएट करना है, उसको अरेंज करना है यहाँ पे, तो इस वे में हम लोग क्या करते हैं, अरेंज कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये बात तो हमारी कि हाँ एक हम लोग सिंपल डायलॉग बॉक्स कैसे क्रिएट करते हैं। अब बारी ये आती है ना यहाँ पर कि हम लोग एक अलर्ट डायलॉग बॉक्स कैसे क्रिएट करते हैं। देखो अलर्ट डायलॉग बॉक्स और सिंपल डायलॉग, जो ये नॉर्मल डायलॉग बॉक्स है उसमें डिफरेंस एक्चुअली यही होता है ना कि जो अलर्ट डायलॉग बॉक्स है ना हमें पहले से ही कुछ फंक्शनलिटी प्रोवाइड करवाता है कि आपको बटन कहाँ अरेंज करने हैं, टाइटल कहाँ अरेंज करना है, या आपको कंटेंट कहाँ शो करवाना है, ये सब कर सकते हैं। अगर देखो ना इसमें डायलॉग बॉक्स पर क्रिएट करूँगा ना तो और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, जैसे एलिवेशन हो गया, बैकग्राउंड कलर हो गया। अगर मैं इसको बैकग्राउंड कलर थोड़ा दूंगा ना यहाँ पे तो कैसे प्रोवाइड कर सकता हूँ यहाँ पे, देखो हम लोग आएंगे अपने इस डायलॉग बॉक्स के अंदर यहाँ पर, और अगर मान लो मुझे बैकग्राउंड कलर देना है, मान लो ऑरेंज करना है, तो मैं ऑरेंज कर सकता हूँ यहाँ पे, और रिफ्रेश करूँगा तो ऑरेंज आ जाएगा यहाँ से। एक होता है शेप आई थिंक होता है, तो शेप कैसे पास करते हैं हम, देखो राउंडेड रेक्टेंगल करके बॉर्डर आ गया, और यहाँ से रेडियस क्या था, राउंडेड रेक्टेंगल बॉर्डर करके इस पर क्लिक करो ना यहाँ पे, तो बॉर्डर रेडियस आता है यहाँ पर। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से बॉर्डर रेडियस पास करेंगे, देन बॉर्डर रेडियस डॉट करके ऑल, और यहाँ से रेडियस डॉट करके यहाँ पर सर्कुलर पास करते हैं, जो कि मान लो मैं 16 पास करता हूँ यहाँ से। तो इससे क्या होगा ना, यहाँ पे 16 dp का ना यहाँ पर क्या होगा, एक बॉर्डर बन जाएगा सर्कुलर करके यहाँ से। तो ये काम हो चुका है हमारे पास। और भी कोई प्रॉपर्टी होती है आई थिंक, देखो और कोई प्रॉपर्टी नहीं यहाँ पे करने के लिए, एलिवेशन है, जो एलिवेशन थोड़ा मतलब उठा देगा वहाँ से वो पास कर सकते हैं। और एक प्रॉपर्टी आई थिंक और होती है मेरे पास अलाइनमेंट यहाँ पे, जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पर। जैसे अगर मैं यहाँ पर एकदम अलाइनमेंट करके और क्या करता हूँ, यहाँ पर डॉट पास करता हूँ, अलाइनमेंट सॉरी अलाइनमेंट अलाइनमेंट डॉट करके अगर मैं यहाँ पे टॉप सेंटर पास करता हूँ यहाँ पे, देखना रिफ्रेश करूँगा तो देखो टॉप पे एकदम पहुँच चुका है। अगर मैं यहाँ पर इसको कुछ बॉटम सेंटर पास करता हूँ तो एकदम ये बॉटम की तरह चल जाएगा यहाँ पे। तो डायलॉग बॉक्स की कभी भी कहीं अलाइनमेंट पास करनी है तो हम लोग इस तरीके से पास कर सकते हैं। चलो तो मेरा काम बन गया यहाँ पर डायलॉग बॉक्स का, सिंपल डायलॉग बॉक्स का। अब मेरी बारी यहाँ पर क्या कि एक अलग डायलॉग बॉक्स क्रिएट करने का। देखो आप क्या करता हूँ, एक विकेट यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ, जो कि है मान लो सिंपल, और ये रिटर्न करवाया किसको यहाँ से। देखो अगर मुझे अलर्ट डायलॉग बॉक्स क्रिएट करना है तो क्या करना पड़ेगा, एक अलर्ट डायलॉग करके यहाँ पर एक विकेट आता है, इसको कॉल बस कॉल कर देना यहाँ से। अब देखो जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ के अंदर होती है। अब देखो हम लोग क्या करने वाले, पहले तो देखो अगर मुझे यहाँ पर एक टाइटल देना है तो टाइटल अगर लिखूँ यहाँ से, टाइटल आ चुका है, मान लो मैंने कॉन्स पास किया और टेक्स्ट करके, और यहाँ लिख देता हूँ कि एग्जिट द ऐप, ओके। अब इस सिंपल डायलॉग का क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर कॉल करना पड़ेगा, और मैं अगर रिफ्रेश करूँगा देखो अभी नहीं आएगा, एक्चुअली क्या हुआ, हाँ
अभी रिफ्रेश, देखो अभी रिफ्रेश कर दिया हूँ। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे देखो एग्जिट द ऐप करके यहाँ पर क्या आ चुका है, एक अलर्ट डायलॉग तो यहाँ पर क्रिएट हो गया और उसमें एक टाइटल भी आ गया यहाँ पे। अगर मुझे इसको सेंटर में लेके आना है, इस एग्जिट द ऐप को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आता है टेक्स्ट अलाइन करके और मैं यहाँ पर सेंटर सेंटर पास कर दूँगा और मैं अगर रिफ्रेश करूँगा यहाँ पर तो एग्जिट द ऐप यहाँ पर पहुँच चुका है। अब एक इसमें होता है ना, यहाँ पर जैसे मान लो कि एक होता है आइकन करके, तो आइकन हम लोग क्या करेंगे ऐसे कुछ पास करते हैं, आइकन तो आइकन मैंने पास किया और यहाँ से क्या करेंगे आइकन्स आइकन्स डॉट करके एग्ज़िट कर दें, एग्ज़िट टू ऐप और यहाँ कॉमा दे के मैं इसको साइज़ पास कर देता हूँ मान लो 200। और अगर मैं रिफ्रेश करूँगा देखो तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर बन चुका है, आइकन बेसिकली ऊपर ही आता है तो मैं इसको कुछ 50 पास कर देता हूँ और रिफ्रेश करूँगा तो इस तरीके से बन चुका है। अब आती है मान लें कंटेंट की बारी आती है, तो कंटेंट कैसे करेंगे, कंटेंट नाम का क्या होता है, देखो अगर आइकन देखो कहीं आइकन करोगे तो आइकन कलर पास कर सकते हो, पैडिंग जो पास करना कर सकते हो यहाँ पे, जो बताने लायक बिल्कुल भी नहीं है, इजी सा काम है यहाँ पर। अब आती है कंटेंट की बारी आती है, देखो कंटेंट में क्या करना है, कंटेंट जब करोगे यहाँ पर तो विगट लेगा, बोलेगा कि भाई मुझे कंटेंट के लिए कुछ वो करो, तो यहाँ पर करता हूँ कॉन्स लिखता हूँ यहाँ पर, ओके टेक्स्ट पास कर दिया यहाँ से लाइक आर यू श्योर टू एग्जिट दी ऐप, ऐसा कुछ मैं पास करता हूँ और मैं रिफ्रेश करूँगा देखो तो इस तरीके से आ चुका है यहाँ पर। और इसको अगर मैं सेंटर पास करता हूँ तो टेक्स्ट अलाइन जो है ना वो सेंटर आ जाएगा, परफेक्ट रिफ्रेश किया यहाँ पर। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, अपना कंटेंट भी प्रोवाइड करवा दिया। अब बारी गाइस यहाँ पर ये आती है देखो कि मुझे कुछ बटन्स भी ऐड करने हैं यहाँ पर, मान लो येस और नो टाइप का, तो वो हम लोग कैसे प्रोवाइड करवाएंगे, देखो उसके लिए कुछ नहीं होता है, एक्शन होता है, एक्शन करोगे यहाँ पर। अब इस एक्शन के अंदर क्या कर सकते हैं हम लोग, वो विकेट मांगेगा यहाँ से, तो देखो विकेट कैसे हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे, देखो जो ये ऊपर था ना ये नहीं, यही को कॉपी और पेस्ट मार लेते हैं हम लोग यहाँ से, देखो इसको क्या करते हैं कॉपी करते हैं ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट मार लेते हैं और ये इसको हटा दो स्पेसर को यहाँ से। अब मैं रिफ्रेश करूँगा देखो तो येस और नो टाइप के दो बटन यहाँ पे बन चुके हैं। तो ये क्या करता है, अलर्ट डायलॉग पहले से ही फंक्शनलिटी प्रोवाइड करवाता है कि जब भी आप कोई विकेट लिखोगे ना यहाँ पर तो क्या करेगा वो एकदम राइट साइड में इसको प्रोवाइड करवा देगा। तो कुछ डायलॉग वो इस टाइप के भी होते हैं यहाँ पे। अभी देखो और क्लिक करूँ यहाँ पे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज आ जाते हैं यहाँ पे, अगर शेप प्रोवाइड करवाना, अलाइनमेंट प्रोवाइड करवाना तो वो भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो कुछ शेप के लिए तो वही था, यहाँ पे शेप कैसे पढ़ेंगे, शेप लिखो यहाँ से शेप देन राउंडेड रेक्टेंगल बॉर्डर करके यहाँ से आएगा यहाँ पे बॉर्डर रेडियस देन बॉर्डर रेडियस डॉट करके सर्कुलर नॉट सर्कुलर ऑल पास करें तो यहाँ से और रेडियस डॉट करके यहाँ पे सर्कुलर जो कि अपन 16 पास कर देंगे। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा देखो तो कुछ इस तरीके का बन जाएगा यहाँ पे। मुझे इसकी अगर मुझे इसकी अलाइनमेंट पास करें तो कैसे करूँगा यहाँ पर, यहाँ पे करके और ये क्या कर देंगे यहाँ पर मतलब टॉप सेंटर पास करता हूँ, टॉप स्टार्ट अगर मैं पास करूँ यहाँ पे देखो इस तरीके से कुछ यहाँ पर आ जाएगा। तो देखा इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग एक अलर्ट डायलॉग या डायलॉग बॉक्स क्रिएट करते हैं। तो और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करके देख सकते हो यार कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या जो भी रिक्वायरमेंट पड़ता है यहाँ पर ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो कि हाँ ये चीज़ें कैसे वर्क करती है, कैसे हम अलर्ट डायलॉग या डायलॉग बॉक्स क्रिएट करते हैं।